तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुकी है और मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी है। लगभग 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दी है और ओपनिंग देने के बाद मार्केट रेड कैंडल बना रही है नीचे के लिए। ठीक है, बहुत ही। अब मैं आपसे एक दो दिन से क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है और बहुत बड़ी रेड कैंडल बना रही है और फिर ऊपर भी निकल जा रही है। देखिए ये भी कम बड़ी कैंडल नहीं है, आप इसको देखेंगे तो लगभग लगभग 300 पॉइंट की कैंडल बनाई है। बताइए, या तो गैप अप ओपनिंग ना दे या तो रेड कैंडल ना बनाए। गैप अप ओपनिंग का मतलब होता है कि ऊपर जाने का संकेत, और रेड कैंडल बना देती है मतलब नीचे जाने का संकेत। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ट्रैप कर रही है मार्केट। और बैंक एक्स ये है, सेंसेक्स ये रहा, तो इसका एक 500 का लेवल होगा यहीं कहीं पे। क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जा, या तो ट्रेड मिलेगी या नए फिर नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं बिड़ू, क्या करते हैं। वैसे बहुत अच्छी ट्रेड थी यार। छोड़ो, अभी हम रह गए ट्रेड लेने से। हाँ भगवान, अब मत देखो इधर, ये देखो अब 100 पॉइंट तो चल सकती है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, और मैं आपको रीजन बताता हूँ पोजीशन बनाने का। ओके, देखिए पुट साइड में पोजीशन बनाई है और 100 पॉइंट का एसएल है, चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ ट्रेड बनाने का, ठीक है। रुक जाओ, पहले थोड़ा देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है यहाँ पर। देखो 100 पॉइंट का जब ऐसा जाता है तो हमें इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा 100 से ऊपर जाता है फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। देखो अब अगर मार्केट यहाँ से गिरी तो अच्छी खासी गिर जाएगी मार्केट। देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक लेवल था मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये पहले का हाईएस्ट पॉइंट होता है लगा हुआ, जो मैं लगा देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि एक बार मार्केट यहाँ तक आई थी। और यहाँ से देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट गई रिजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट गई रिजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट गई रिजेक्शन, मार्केट ने गैप ओपनिंग दी रिजेक्शन, ठीक है। अब देखिए रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे हैं, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई चली जाती ऊपर या ग्रीन कैंडल बना देती, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई और नीचे आई ऐसे, ठीक। और यहाँ पे जो ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो प्री वो पिछले दिन का क्लोज किया, इससे सपोर्ट लेके ऊपर गई है, ठीक है। तो जो इससे सपोर्ट लेके ऊपर गई है तो यहाँ पे आने वाली है बायर, और बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट आ सकती है नीचे, और इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। और वैसे ये मार्केट है, हम 100% इसमें सही नहीं हो सकते हैं कि हमारा एसएल भी हिट कर सकती है, लेकिन एसएल हिट होगा तो हमें बहुत ज़्यादा दुख दर्द नहीं होगा क्योंकि 100 पॉइंट का है, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 पॉइंट से ऊपर का एसएल जाता है फिर बहुत दिक्कत होती है। तो यही रीजन था कि देखिए रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे थे। किधर गया वो, ये देखिए मार्केट चली है रिजेक्शन, फिर मार्केट यहां से नीचे आई रिजेक्शन, एक पाथ बनता है, एरो 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 एरो। हाँ ये देखिए मार्केट ने क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट पे गई रिजेक्शन, फिर यहाँ आई, फिर हाईएस्ट पॉइंट रिजेक्शन, फिर आई, फिर हाईएस्ट पॉइंट, फिर रिजेक्शन,
फिर यहाँ गई, फिर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर गई, फिर रिजेक्शन। तो मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रिजेक्शन ही रिजेक्शन दिए, जिसकी वजह से हमें पुट साइड में ट्रेड बनानी पड़ी। और ऐसा जा सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रही है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है और मैं ड्यूटी जाता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। मैं अपनी पोजीशन मोबाइल में हैंडल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। इसमें जहाँ तक एसएल ही चला जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 पॉइंट का है, और अगर टारगेट मिलता तो लगभग ठीक ठाक मिल जाता, 120 उस पॉइंट के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसा चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट जब हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करती है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था और मैं ट्रेड बना के ड्यूटी चला गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस। ये तो काफ़ी बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा हमने टारगेट नहीं लिया था। मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ कहीं भी एग्जिट कर दिया था, ऐसे ये ना, ये यहाँ से जैसे ये सपोर्ट ले रहा था, ये मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। हालांकि मुझे पता था कि ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगा, जो ये लेवल है 53,000 का, ये तो तोड़ना ही तोड़ना था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं यहाँ पे निकल गया। तो मैंने सोचा आपको बाद में दिखा दूँ कि मैंने यहाँ ट्रेड बनाया था, 100 पॉइंट का एसएल रखा था और लगभग 120-125 पॉइंट का ये टारगेट था। तो मैंने यहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया ऐसे, और यहाँ नीचे आके मार्केट फिर ऐसे फिर से घूम गया और ऊपर चला गया। तो ये कितना यहाँ से गिरा है, 158 पॉइंट। तो रीजन तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था ट्रेड लेने का, और फिर बाद में देखिए ये मार्केट ऐसे ऐसे घूमता रहा। तो बस यही था आज का ट्रेड, और मिलते हैं हम कल की ट्रेड में, मतलब 5 तारीख को, देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, धन्यवाद।